हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मीनल किचन में। आज मेरे किचन में बनने वाला है तोरोई की सब्जी, जिसे हमारे गढ़ वाले भाषा में गुदड़ी भी कहते हैं। आज मैं इसकी रेसिपी दिखाऊंगी आपको कि इसकी साग कैसे बनाया जाता है, इसकी सब्जी कैसे बनाई जाती है। बने रहे मेरी वीडियो के साथ। सबसे पहले हम इसके ना ये होते हैं ना, ये बारीक 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 इसको अच्छी तरह से छीन लेंगे। ये लेयरे होते हैं ना, ये बहुत पक्के होते हैं। इनको ऐसे के चाकू से ऐसे काट के पूरा छीन के बताऊंगा मैं आपको। ऐसे के छीन ले से पूरे इसको पूरे ऐसे के निकालेंगे पहले। तो बने रही मेरे वीडियो में, पूरा छीन के दिखाते हैं आपको। अभी देखो दोस्तों, मैंने ये पूरी तरह से छीन लिया, इसको पूरे छीन के निकाल दिए मैंने। छीन के निकाल के ऐसे जो बहुत पके इतने सारे कबाड़ आए, इसको इतने सारे छिलके निकाले मैंने, सारे छिलकों को निकाल दिया इसको मैंने। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, इसकी सब्जी बहुत अच्छी होती है। देखो इसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है, आपको पता नहीं कैसे लगेगी। देखो दोस्तों, मैंने ये पूरी तरह से छीन लिए हैं। छीनने के बाद कितने प्यारे लग रहे हैं, कि हरे हो रखे हैं। इनके पूरे छिलके निकलते हैं, सारे कबाड़ आए इन पर पूरे छिलके निकाले। अब मैं इनको कट करूँगी। इनकी सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है, भात में तो बहुत ही अच्छी होती है इनकी सब्जी। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है सब्जी, खाने में बहुत पौष्टिक होता है। बने रहे मेरे वीडियो में। सारे सब्जियों में सबसे अच्छी गुदड़ी की सब्जी लगती है। अब मैं इनको काटती हूँ। पहले मैं इनको धोऊंगी, यहाँ इसमें डालती हूँ टब में, इनको धोऊंगी अच्छी तरह से। एक बार पहले इनको ऐसे साफ़ धोऊंगी, उसके बाद फिर पानी से कटने के बाद धोऊंगी। इसमें मैंने पानी डाल दिया, अच्छी तरह से धोऊंगी। इसमें काटूंगी, इस थाली में काटूंगी इनको। बने रही मेरी वीडियो के साथ। देखो दोस्तों, मैंने अपनी पूरी सब्जी पूरी तरह से काट ली है। अभी पूरे काट बारीक बारीक काटे हैं मैंने। इसके लिए मैंने ली यहाँ पे टमाटर और प्याज। इसमें टमाटर प्याज आने की भी ज़रूरत नहीं है, तभी इस मिनट में टमाटर प्याज के बीच की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। लेकिन मैंने डाले हैं, आप चाहो तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे टमाटर प्याज पड़े थे यहाँ, तो मैंने डाल दिया। बने रहे मेरी वीडियो का। इसको बनना स्टार्टिंग करती हूँ मैं। अब बने रहे मेरी वीडियो के साथ। यहाँ पर मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है, इसमें पहले मैं डालूँगी तेल। तेल हमारा गर्म होगा तब डालूंगी मैं इसमें जीरा। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब डालूंगी मैं इसमें जीरा। जीरा हमारा जब ब्राउन कलर का हो जाएगा तब डालूंगी मैं इसमें हरी मिर्च। जीरा हमारा पक चुका है, ब्राउन कलर का हो चुका है, अब डालूंगी मैं इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अच्छे से इसको इसे घुमाएंगे जब तक प्याज पक ना जाए। इस तरह घुमाते जाएंगे इसे, लगभग हमारा प्याज पक चुका है। अब डालेंगे इसमें टमाटर। ये है टमाटर, डालूंगी मैं इसमें एक चम्मच नमक। नमक डालने के बाद इसको भी ऐसे के हिलाएंगे, घुमाते रहेंगे कर सकते। अब मैं इसे किसी थाली से ढक दूँगी, अब मैं इसे थाली से ढक दूँगी सिर, इससे हमारा टमाटर जल्दी गल जाएगा। देखो दोस्तों, हमारा टमाटर अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी गुदड़ी की सब्जी। तुरोई बोलते हैं वैसे हमारे गढ़ वाली भाषा में इसे गुदड़ी बोलते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी तुरोई। इसको जब तक इसमें टमाटर प्याज मिक्स ना हो जाए, पूरे घुमाते रहेंगे इसे कर सकते। गुदड़ी में इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों, एक बार बना के देखें। मेरी तरह मुझे तो बहुत अच्छी लगती है इसकी सब्जी भात में। आज भी एक बार ट्राई कर जरूर करना। अब हम इसे थाली से ढकेंगे। थाली ढकने के बाद ये अच्छी तरह से ढक दिया मैंने इसे।
सारी सब्जी अच्छी तरह से गल चुकी है। अब मैं इसमें मिक्स मिर्च मसाला डालूंगी, पूरी मिक्स मैंने इसमें हल्दी गरम मसाला मिक्स जीरा जो है पूरा मिक्स है, इसको डालूंगी मैं इसमें पूरी तरह। इसको कच्चे से ऐसे घुमाएंगे, सब्जी में डालने के लिए मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है, बेसन या मैदा आप कुछ भी डाल सकते हो तो आटा भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच लिया है मैंने, इसको वैसे ही घुमाएंगे, पूरा घोल तैयार करेंगे इसका। अब मैं इसमें डालूंगी ये मैदा का घोल, देखो इसमें मैं मैदा का घोल डालूंगी। अब स्वाद मैदा सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है, लाजवाब होती है, मेरे बेटे के साथ चावल बहुत ही अच्छी होती है। वैसे घुमाएंगे, देखो तो मैदा के घोल डालने से कितना गाढ़ा हो गए हैं। अब इसमें मैं डालूंगी पानी, वैसे घुमाएंगे। अब उबालने के लिए छोड़ देते हैं इसे। यहाँ पे मैंने कुकर में चावल था, चावल हमारा तैयार हो चुका है। देखो हमारा साग पूरी तरह उबल चुका है, हमारी सब्जी इसका कलर कितना प्यारा हो गया। देखो दोस्तों अच्छी तरह बन चुका है, मैं चावल के साथ सर्व करके दिखाऊंगी आपको कैसा बना है। बन रहे मेरी वीडियो के साथ एक बार ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होता है ये, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। इसमें प्रोटीन आयरन सब चीज़ पूर्ण मात्रा में पाया जाता है, ज़रूर बनाए इस सब्जी को। देखो दोस्तों लग गई मैं थाली, इसका साग बहुत ही टेस्टी बना है, एक बार ज़रूर ट्राई करना कैसा बन रखा। सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है गुदड़े की सब्जी। अब मैं इसमें हरी मिर्च डालूँगी, एक तो हरी मिर्च अपनी नहीं है, अब मैं टेस्ट करके दिखा दूँगा आपको कैसा बना है। तूने बना रखा है, बुरा टेस्ट भी होगा तो बोलेगा अच्छा ही है। साग बहुत ही टेस्टी बना है, एक बार जरूर ट्राई करना दोस्तों कैसा बना है। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।